معزز سامعین گرامی، قبل اس کے کہ ذاکر البیت سید منظور حسین شاہ صاحب رونق افروز ممبر ہوں، جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف رکھیں، یہ ایک مجلس کے اعلان سماعت فرما لیں. 6 جون کو امام بارگاہ قصر عباس ملہ جعفر آباد میں مجلسِ منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ سید تقی نقوی، پروفیسر عابد حسین اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے. اور 1 اپریل کو کل یہ بھی امام بارگاہ قصر عباس جعفر آباد میں مجلسِ منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب، ذاکر اقبال حسین شاہ بجاڑ، حاجی ناصر عباس نوتک، سید منظور حسین شاہ صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں، وہ اس مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں. کل 1 اپریل کو یہ مجلس ہے، اور 13 اپریل کو ایک مجلس اعضا قدیمی امام برگا چاک عمرام ہے منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ علی ناصر حسینی تلاڑا، ذاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ، پروفیسر عابد حسین، سید جعفر حسن نقوی اور اس کے علاوہ سید امیر الحسن کاظمی اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں. یہ 13 اپریل کو چاک عمرام ہے مجلس اعضا منعقد ہو رہی ہے. اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت سید منظور حسین شاہ صاحب سے کہ وہ ضیب ممبر ہوں اور فضائل مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے بعد علامہ غلام اکبر ساقی، ذاکر منظور حسین بٹی، یہ شاگرد احمد بخش بٹی کے، یہ تشریف رکھتے ہیں، اور سرکار علامہ علی ناصر حسینی، یہ آپ سے مخاطب ہوں گے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سلام یا حسین، یا سید اللہ کے سید اللہ ادرکنی ادرکنی فیش، التماس دعا برے حجت خدا. بسم اللہ ابن الحسن صلواتك علیہ وعلا آبائه فی هذه الذات وفی کل ساعة من سات لیل والنہار ولیوں آمین وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم و حتى تسكنهم أرضك عتبا وتمتعهم فيها طويلا آمين يا حق صحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و ساتھ
करीब हो जाए जमाना हक के वली का नकीब हो जाए। इस इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं, हमें भी उनकी जियारत नसीब हो। अली दे घर को मैं अली दे घर को मैं मक्का सदाऊं या के नजब समझा। अली दे घर को मैं अली दे घर को मैं मक्का सदाऊं या के नजफ समझा। शरफ शरफ अशरफ दा के कूहे ते मैं कहदा ओ शरफ समझा। माशाल्लाह जिंदगी होए। अली दे घर को मैं मक्का सदाऊं या के नजफ समझा। फिर शरफ यार साउंड का आवाज ठीक करो, इंदा एंड सही नहीं। बिस्मिल्लाह या इंदी कुछ साइड कर। अली दे ठीक है, अली दे घर को मैं बस ही मक्का सदा या के नजफ समझा। सदके थी पर शरफ अशरफ दा के कू है ते मैं कहदा शरफ समझा। सुभानअल्लाह शरफ अशरफ दा के कू है ते मैं कहदा शरफ समझा। अर्ज कीती विलादत इत ते मदफन उत। तो हिसाब करो ना बा, विलादत इत ते मदफन उत तू शायर है दसा खादिम। तवज्जो फरमे सुनिया से मौला अब्बा जई मेरे मोहतरम जितनी बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ फरमेंदन विलादत इत ते मदफन उत तू शायर है दसा खादिम। हे गौहर हिक सदफ हिन दू ते मैं कह कू सदफ सन। अली दे घर को मैं अब मजलिस होनी है कोई इत नहीं जो वर मैं वो जाकर ही नहीं जो मेरे बच्चे ख्वाहिश होवे जी जो मैं थी वे मरी वो दुनिया में जो मैं थी वे ना ज
जिन्हें दर्द सना खाना वो सही राजी थी मैं और जिन्हें दी मोहब्बत तुसा तशरीफ फरमा थी है। जी अली दे घर को मैं मक्का सदाऊं या के नजफ समझा शरफ अशरफ दा शरफ अशरफ दा के को है ते मैं कहंदा शरफ समझा ओ विलादत इत ते मदफन उत तुम शायर है दसा खादिम हे गौ हर एक सदफ है नदू ते मैं कह को सदफ समझा अर्ज कीती मिला जो दीन तवज्जो है ना मेरे पास मिला जो दीन तो दीनों से लाओ जवाब मिला मिला जो दीन तो दीनों से मिला जो दीन तो दीनों से लाजवाब मिला मिला नबी तो नबियों का इंतखाब मिला जो कुछ समझ आती है बाबू बोले दे मरन मिला जो दीन तो दीनों से लाजवाब मिला मिलाओ नबी तो नबियों का इंतखाब मिला अर्ज कीती हो क्यों ना फख्र मुकद्दर पे इब्ने आदम को हो क्यों ना फख्र मुकद्दर पे इब्ने आदम को तुराबियों को इमाम अबू तुराब माशाल्लाह जिंदगी हुए जी बिस्मिल्लाह सारे की तबीयत मैं वल पढ़ा मिला जो दीन तो दीनों से लाओ जवाब मिला मिलाओ नबी तो नबियों का इंतखाब मिला अर्ज कीती हो क्यों ना फख्र मुकद्दर पे इब्ने आदम को हो क्यों ना फख्र मुकद्दर पे इब्ने आदम को तुराबियों को इमाम अबू तुराब मिला जिंदर सलामत रहो अब हमारे पास एक सौ बड़े मुर्शिद मोहिबो चूंकि एक सना खान की हसीयत चा मेरे मुर्शिद मोहिब तो शरीफ फरमा फरमेंदन लभ ऊकू लभ ऊकू तलाश कर लभ ऊकू जो इंसान है
इंसान दे अंदर है लब को जो इंसान है इंसान दे अंदर पढ़ को जो कुरान है कुरान दे अंदर मजलिस हुसैन जो है अब लब को जो इंसान है इंसान दे अंदर पढ़ को जो कुरान है कुरान दे अंदर खादिम तक मिलसी इरफान दी मंजिल हो खादिम तक मिलसी इरफान दी मंजिल कुल को पकड़ जो है ईमान दे अंदर माशाल्लाह जिंदगी दराज हुआ है अर्ज की मर्द बाई मां शहादत के बगैर अब सही बड़ी तवज्जो ना हौसले ना मैं तो को पहले इजहार कर चुका मर्द बाई मां मर्द बाई मां शहादत के बगैर इमें समझे एक कलम है वो के जिसमें कत नहीं किस्सा-ए इस्लाम किस्सा-ए इस्लाम बेजिक्र अली जागना किस्सा-ए इस्लाम बेजिक्र अली वो लिफाफा है कि जिसमें खत नहीं सलामत रहो कब्रिस्ती के मैं कसीदा पेश करूं है बस ही चूंकि पुराना कुर्ब रखने वाला एक सैयद फकीर हूं ऐसे ही जो सना खाना जिन्हेदा वो करीम ऐसे जो खुशकिस्मत वो इंसान ने जिंदे 14 पेश हुआ है ऐसे ही कब्रिस्ते के मैं कसीदा पेश करा इस कायनात ऐसे ही खालिक ने अपनी मखलूक बनाई तो मखलूक बना के और उस मखलूक को तौहीद की तरफों इजहार किया गया केड़ी बात जो है बने आदम अगर ते को इंसानियत जरूरत है अगर ते को इंसानियत जरूरत है ते को इल्म जरूरत है ते को गैरत जरूरत है ते को हराम ते हलाल की पहचान की जरूरत है अगर ते को धी ते भेड़ की पहचान की जरूरत है तो तौहीद ने इजहार किते जो इस कायनात
मैं एक शहर बनाए एक दर बनाए। मैं एक शहर बनाए एक दर बनाए। तवज्जो है मेरी बात। एक शहर बनाए एक दर बनाए जी। शहर का नाम है मोहम्मद मुस्तफा, दर का नाम है अली इब्न अबी तालिब। तो तौहीद ने इजहार किए अगर इतने कुछ चीजा जरूरत हैं जी तो दरतिया इस दरतिया तक सब कुछ मिल सी है। अल्लाह जड़े मैं क्या इजहार कर इस दरतिया तक सब कुछ मिल सी सब कुछ मिल सी जी। आदम तू गिन के खातम आदम तू गिन के जनाब ईसा नबी तक किसे नबी को अल्लाह नहीं आख्या जो आदम तू वजह तखलीक के कायनात है। इब्राहिम तू वजह तखलीक के कायनात है। ओ याकूब ओ यूसुफ तुस वजह तखलीक के कायनात हो। अगर मैं तो ना बनेगा एक कायनात ना बनेगा किसे नबी को नशा क्या उसकी वजह तलाश कर। जाग दे बैठे हो वो अबा मैं अर्ज पे कर रहा जी। आदम तू गिन के जनाब ईसा नबी तक सैयद आदम किसे नबी को जो अल्लाह नहीं आख्या जो मैं तेरे को ना बनेगा एक कायनात ना बने ना इसकी वजह क्या है वजह तलाश कर। इसकी वजह यह है इस वस्त ने साख्या जो एहन पसीना हाय 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 एक क्या है अब्बा सही एहन पसीना जी पसीना खून तू जुदा है। ओ मैं अगर बारीक सफर करूं तो फंस वेने हैं जो कुर्ब ऐसा हासिल कीते से एहन पसीना जी पसीना जी खून दे नालों इन्हें को कुछ कुछ इल्म मिले मरकज खून। मरकज क्या है खून लफ्ज में लफ्ज इस्तेमाल किए लफ्ज खून जी। अल्लाह जाने राज क्या है ये ऐसा ही राज क्या है अब लफ्ज खून। ओ इब्ने आदम अगर ये 14 बशरियत वाला लिबास पाके अगर तेरे सामने ना आंदे तो ते को तौहीदन समझावे गल ते तवज्जो जी ते को तौहीद समझावे जो ये तेरी धी है ये तेरी भेण है ये नमाज रोज है जी तौहीद ते को समझावे नहीं बशरियत वाला लिबास पा के एक खानदान तेरे सामने आए जी तो बशरियत वाला लिबास देख के थपीज तना जो मेरी कारण जो ए मेरी कारण जी ये रोज तौहीद को पता है या 14 को पता है ऐसे ही अनीश सरे की फरमेंदन अर्श ते वस्ते फर्श ते आए हैं फर्श को अर्श बनावन की थे अर्श ते वस्ते
फरिश्ते आए हैं भाई, फर्श को अर्श बनावण कीते बशर नहीं, ये बशर को आए हैं ना बशरियत समझावण कीते। जी बशर नहीं, ये बशर को आए हैं बशरियत समझावण कीते। जी जिंदर सलामत रहो। तो एक भिरा इल्म दा शहर है, एक भिरा इल्म दा दर है। जी मैं तो यू कुछ आख सकदा जो आज दे इंसान दी क्या परवाज है, शहर दर को जानते दर शहर को जानते है। गाल ही को काबू किता करो बाबा जिंदगी दराज वा, मैं उड़ारी वाला जाकर तो नहीं जो उड़न पाए वजा थोड़े सामने सना खाना स्टेज मिंबर है जी, दरबार मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो है तबीयत में कसीद दिहार शहर और बोलो दर, शहर और अबाजी दर। इस अनीश सरेकी ने होता मारे इजहार की तस जो शहर क्या है दर क्या है। तो है तबीयत में कसीदा पेश कर रहा हूं, एक सलवत पढ़ो मोहम्मद और मोहम्मद वाजिब समझ के दरूद पढ़ो साइया की अजमत हम कोई बंदा राय गया हो मैं उसकी मिन्नत करे सा रिक्वेस्ट है दरूद पढ़ो चा साइया जिंदगी दराज इजहार क्या है भाई, खादिम हुसैन आसफी मरहूम ने अब इजहार फरमाए, फरमे नबी को देखो अली को देखो हूं इतना ही मैं बिस्मिल्लाह चले गए ना लोग, इतना ही मैं इजहार करे सा अगर नाराजगी महसूस ना करो
जी तेरे विच ए अल्लाह दा अमर ये जितने बैठे हो ना थोड़े विच क्या है सारे बोलो अल्लाह दा अमर अमर है ना ये ना जिन्हें ते जिक्र च आए बैठी ए हन उले ला अमर देखो जाकिर को पी नहीं छुड़ी दा मेहनत मेहनत तो अरे सर वास्ता है तो सब सुनने में पढ़ने जी अगर अच्छा लफ्ज हो वजनी तो को हजम नहीं करना उनकी अदायगी करनी है जिंदगी दराज हो अर्ज की नबी को देखो अली को देखो इन्हा दे 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 खुदा नजर दे समझो एक एक फुट अगा थी बाबा या मैं मिंबर चाके गा बना तुसा गा बनो पिछले भाई बाबा अपील है अगा अगा आ जाओ अगा आ जाओ स्टेज तक गल भरीच बने ना जिंदगी दराज होए नबी को देखो संभल के भाई नबी को देखो अली को देखो इन्हां दे 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 बोलो जेड़ी शाय सुनी वे वो लफ्ज बोलो इन्हां दे 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 खुदा नजर दे दीद मरे पासे नबी को देखो अली को देखो इन्हां दे 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 खुदा नजर दे दे नबी को देखो अली को देखो इन्हां दे 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 खुदा नजर दे इहो तलुत्फे बहुत बड़ी मेहरबानी तवज्जो है मेरे पास अब्बास साईं सजाद भाई बाबा पूरा मजमा मेरे बुजुर्ग जी इहो ता लुत्फे जो विच इन्हां दे ओ रहे के फिर भी जुदा है इहो ता लुत्फे जो विच इन्हां दे ओ रहे के फिर भी जुदा नजर दे शहर और इलम एहन क्या तवज्जो रखी मेरी बात है जिंदगी दराज होए फरमेंदन ए ए ए ए ए ऊदे अपने अंदाजन सदके 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 जिंदगी दराज होए ए उल्फत भाई ए ए ए ए उंदे अपने अंदाजन जेड़े बंदे अजन तो नहीं भी तुर तुर मरले दे बैठे हो देखो मेरे पासे तेरी परेशानी दूर करा ए उंदे अपने अंदाजन उंदे राज दे महरम राज जिंदगी दराज होए ए उंदे अपने अंदाज़न उंदे राज दे महरम राज़न असाडा बिल्कुल कसूर कोई नहीं ते ज़हन दे विच फतूर कोई नहीं असाडा बिल्कुल कसूर कोई नहीं ते ज़हन दे विच फतूर कोई नहीं फतूर कोई नहीं हकीकतन नूर एक इनादा हकीकतन नूर एक इनादा जो साकु बे इंतहा नजर दे
जिंदगी दराज हो जो साकू पे इंतहा नजर दे सत्र पे प्या करे ना। अच्छा भाई सत्र कैसी है फरमेन ये ए ए ए हिम ए हिम बहुत अमीर शाह जी ए हिम ऊदी जात दा मजहर परमोत्रम पूरा मजमा भी जागना। देखो भाई पहला लिखा दौर है रोशनी वाला दौर है जी ए हिम ऊदी ए हिम ऊदी जात दा मजहर ऊला ऊला आला बेहतर बरतर सदके 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 जिंदगी दराज हुए एहन ऊंदी जात दा मजहर ऊला आला बेहतर बरतर इन्हा दी हर एक अदा कुड़े हसन दनाना या मौला मुश्किल कुशा नजर दे जीवो जिंदगी दराज होए तुहाडे बच्चे जीवन जट जीवो या मैं कुड़िस्ते हसन दनाना या मौला मुश्किल कुशा नजर दे सत्र पेश करे ना। अच्छा बहुत प्यारे बोले हो मैं तो एक पुराना जा सईद फकीर दुआ को है और जड़ी मेरी दुनिया है तेरे सामने है सोहनी ते प्यारी दाद दी भी इजहार किते वे हुण जड़ी सत्र पेश पे करे ना मुद्दे बाना अपील है बस सत्र कैसी है आसफी मरहूम ने सत्र कैसी लिखी है जड़ी जात नजर नहीं आती हूं एक शहर एक शहर भी कौन है बाबा से बुलंद बोलो दर एक शहर एक दर फरमेन डू 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 रुख एक तस्वीर दे दिस दिन जिंदगी दरा ऑफिस में लगा मोहतरम हाय हाय क्या इजहार करा बस बिस्मिल्लाह मलिक साहब अब अजी सैयद फकीर हूं दुआ को लोग हैं बिना मंगण वाले कदा कर के थे होते मेरा मोहतरम मौजू है शहर और दर अनीस सरेकी ने अब कलम नाल इजहार कीते एहन कैसे डू दो ना डू 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 रुख एक तस्वीर दे दिस दिन डू खत एक तहरीर दे दिस जिंदगी होवे जगत जी हो जगत जी हो तू रुख है की तस्वीर दे दिस दिन तू रुख है तस्वीर दे दिस दिन तू खत है तहरीर दे दिस दिन नबी खुदा दा जमाल दिस दे अली चली दा जलाल दिस दे करो ना
सुभान अल्लाह हाय हाय जिंदगी दराज हुए तू रुख एक तस्वीर दे दिसे दिन दुखत एक तहरीर दे दिस दिन नबी खुदा दा जमाल बहुत बड़ी मेहरबानी जिंदा सलामत रहो और मेरे भाई आसिफ मलिक साहब तशरीफ फरमाएं और मेरे मोहतरम भी तशरीफ फरमाएं एक कसीदा हजरत शबीर दी ज़ात जिंदा सलामत रहो जगत जियो एक सलवत पढ़ो मजलूम करबला हो दी उसमत नहीं फिर भी मोत्र करो नाल दरूद दे अपने जबान जिक्र दे कह दियो मेरे पास देख हरी है शौख तमन्ना अभी जली तो नहीं जिगर की आग तभी है मगर बुझी तो नहीं ओई चुंडले याद भाव बाबा खुदा का वास्ता ही है हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं जिगर की आग दबी है मगर बुझी तो नहीं यूं तेरे जुल्म से गर्दन शहीद आजम की कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो दुआ दुआ फिर मैं सुन दुआ मैं सके दीपो वाह मेरे मुर्शिद मुहिबो मौला तो पूरी जिंदगी दराज करे बिस्मिल्लाह यूं तेरे जुल्म से गर्दन शहीद आजम की मेरा अब्बा सही है मैं सदके दीपा मां कटी है बरसर मैदान मगर बाबा से बुलंद बोलो सुरखरू सुरखरू कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं अर्ज की थी शबीर कायनात ते एहसान कर गया निशत के थी पामा जिंदगी दराज हुआ अब इन्निदा अजीब है सदके ती पावा शबीर कायनात ते एहसान कर गया शबीर कायनात ते एहसान कर गया ना बा जिड़े इमाम को रोवना बेटो शबीर कायनात कर गया
दान कर गया। जिंदगी हुई दुनिया मारुफत को अदब दान कर गया, शबी कायनात ते एहसान कर गया। जिंदगी दराज हुआ सत्र पेज प्या करना कुरान जैद की तेका फी ओ सुर्ग ने कुरान कर गया। शाबाश शाबाश, शबी कायनात ते एहसान बगै कर गया। शाला जगत जियो मैं सैयद फकीर दी दुआ में मेरे मुर्शिद को रोपण वाले जिन्हें कब्रा ना कब्रा नहीं रलिया मेरे पास लिखा है सत्तर पे बेशक पैगंबर की अदा याद रहेगी, तौहीद को इस कार की वफा याद रहेगी। जिंदगी डरा हुआ एक सत्तर पेज करे नाराज न थी सत्तर अजीब थी मेरे पास लिखा 1400 साल गुजर गए जेड़े सैयद कुरों दे बदे हैं उनका किरदार क्या है। अब मेरे पास देखी वहदानियत दे दिसे दे में को इर्द कर तुसे वहदानियत दे दिसे दे में को अच्छा दुनिया को हैरान कर गया। सदके 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 तीप एक सजदा दे के दुनिया को हैरान कर गया। शबी मैं सदके तीप मेरा भैया तो कोई सबका सजदा एक सजदा देख दुनिया को हैरान कर गया। शबीर कायनात ते एहसान कर गया। गैरत लिखा कि पड़ा एक सजदा देख दुनिया को हैरान कर गया। शबीर कायनात ते एहसान कर गया। एक सत्र पेज करा ना दीद मेरे पास रहे उन्होंने मैं कूता हो सुना सुबिद सीधा है सोगवा मैं कूता हो सुना सुबिद सीधा है सोगवा जाए अख दो ने दमे कूता दिसे दिए अश्कबा अकबर हसीन दुनी वैरान कर गया। अकबर हसी जरा जवान बैठे हो मैं सदके ती पावा अकबर हसीन दुनिया को वैरान कर गया। शबी हसीन दुनिया को हैरान कर गया। अब एक वर्ण पेश करा है
ਦਸਵੀਂ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਥੀ ਵੇਦੀਆਂ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਆਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਤ ਥੀ ਸੇ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ। ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਾਣੀ ਮਲ ਭਈਆ ਸਯਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬਹੁਵੈਨ ਰੋਂਦੇ ਈ ਵਸਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬੈ ਕੁਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਏ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬੈ ਕੁਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ। ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਕਹੇ ਸਾਊਂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦ ਪੜਦਾ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਦੀ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਹੈ ਚੁੰਮੀ ਛੇਕੜੀ ਵਾਰੀ ਮਸਾ ਅਕਬਰ ਪਗ ਬਧਵਾਵੇ ਉਹ ਸਹਿਰੇ ਦੀ ਜਾਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਖੜਾ ਤਾ ਤੁਲਾ ਅਕਬਲਾ ਵਰ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਦਰਦਾਂ ਲੈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਅਦਬੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਛੇਕੜੀ ਵਾਰੀ ਮਸ ਅਕਬਰ ਦੀ ਓਖੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪੱਗ ਬਥਵਾਵੇ ਉਹ ਸਹਿਰੇ ਦੀ ਜਾਤ ਅਕਬਰ ਦੀ ਖੜਾ ਤਾ ਕੋਲਾਹਲਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗਰਾ ਕੋ ਘਿਰਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਕੋ ਰੋਮਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਬੰਦ ਪੜਦਾ ਬੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਆਸਵੀ ਮਰਹੂਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਜਮ ਹੁਸੈਨ ਆਸਵੀ ਬਾਬਾ ਤਨਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਆਸਿਫ ਉਹ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਬੁਰਾ ਕੁੱਤ ਲਹਿ ਪਈ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋ ਰੱਤ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿ ਪਈ ਵਹਿ ਪਈ ਸਤਰ ਰੱਖ ਬੈਂਡਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾ ਦਰਦ ਕੀਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਰਾ ਵਤਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਊਂ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮਸ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਰੀ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆਈ
अब मजमून नहीं एक वैन पेश करे ना तुहाडा हुक्म है अब वैन पेश करे ना वो वैन कैसा है मैं सदके थी पावा हूं एक नक्शा बने ना थावा पुराना वैन है बजुर्ग जाकर पढ़ते रहते हैं तत्ती रेत तू एक लफ्ज आखा नजर जंजीर फिरदौसी पाकिस्तान इरशाद अबासी फरमैनन वो दिन जल्दी करे तत्ती रेत पुत्र को तड़प था दिखे हंस लेना अब हंस लेना मरी गल सुनी इमान बैठे पुत्र दे करीब पुत्र दे करीब है मेरा मोहतरम उन्हें एक बंद लिखा मेरा मोहतरम बाजी नजर करना मेरे पास तो चौब में कोई नहीं तो मगर सब में आ गया तो मैं चला ना मैं वो बात नहीं नजर झंडीर पर दरा नहीं फिर दोस्त ये पाकिस्तान ऊपर तेरा नियम जेड़े बोले मेरा इमाम पुत्र दी लाश ते आए सर चा के झोली च रख के आसमान तो मुंह करके दे मेरा अल्लाह तू है कातर मुतलक बेपरवाह पिया रंग अजीब दिखे ने पिया रंग अजीब दिखे दे छिके पुत्र दे सीनो प्यू पर छी पिया जिगर हुसैन अजमे ने आज मेरे मालिक लम यलिद वलम यूलद है लम यलिद वलम यूलद है ना तू कहीं दा पुत्र है ना औलाद रख दे ताही भारे भार चमे दे आदे मरे अल्लाह कोई तेडा अकबर होवे हा अल्लाह जाने मैं क्या खरा पड़दा कोई तेडा अकबर होवे हा कि मैं देखा सांग छके ने जिंदगी दराज होए अब मुके ना पिया अब नक्शा कैसा है पुत्र दिला चाहिए सज्जा बाजू अली अकबर दा सजे मुंडे ते रखेस खब्बा बाजू खब्बे मुंडे ते जिंदी जवान औलाद है हाय हाय पुत्र को हां ना लई वदे जिमे कारी कुरान को चैने टुरदा या मैं एक लफ्ज दा कच्ची दे बुजुर्ग दा कर पढ़ दराने हैं जेड़े वेले पुत्र को चाह के टुरे हर कदम ते पुछदा हा अकबरा बाबा पुछदी तबीयत दा केड़ा हाल है हर कदम ते आदा बाबा मेनू खैर है अल्लाह जाने क्या कड़ा पढ़दा आदा बाबा मेनू खैर है हर कदम ते पुछदा गए आदा रे मेरे नाल अलवेंदा जुल मैं तेरा बुढ़ला बाबा मैं तेरा ज़ईफ बाबा मैं तेरा गरीब बाबा मेरे नाल अलेंदा जुल और बुजुर्ग पढ़दरा दे आन जेड़े वेले खैमे दे करीब है करीब है अली अकबर दे बाई शबीर दे मुंडे तो लहन पै गए जेड़े वेले लहन पै लादी मां चमके दे अकबर आ तेरी फूफी नाल वादा मैं जींदा मिले सा ओ मैं सच कहती पावा मैं जींदा मिले सा मेरे पकड़े की इथा एक पुराना लफ्ज अली दी थी खेमे दे दर ते आईए जेड़े वेले खेमे दे दर ते आईए आवाज आई अम्मा फिजा तेरा हुक्म दिता मैं आवाज आई अम्मा फिजा जी सैन बीबी आदि अम्मा मैं कुए दसा हाय आवाज आई क्या सैन बीबी आदि मैं कुए दसा ए जड़ा सारे खेमे दे दरवाजे तो आंदा पाए ए चिट्टी दाड़ी वाला कौन है आवाज ये दई मरवनी तदवीर शबीर आवाज ये अकबर मैं गिंदिया रोकिया दी अम्मा अम्मा मेरे वीर को गल ना ला मैं सदके ते पावा मैं डर बिस्मिल्ला जिंदगी दराज होए वैन पेश कराना आज भी सब पर्दा राना सोने पुत्र दिलाज अब खेमे घेना है जेरे बोले खेमे घेना है तेरे पीर दी आवाज ये अम्मा फिजा अली अकबर दी अम्मा किथा है रोकिया दिए जहराओ तो बचड़ा हूने खेमे दे अंदर जमीन ते हाथ बैठी मरे दी आई सैयदा दे जल्दी कर उको आक पुत्र शेरे पाई हूं बहन ते करे भाई झोली बना भाई सोनी मुकान दी आई जनाबे फिजा टुरिए है जनाबे लैला दे खेमे आईए आवाज आईए सैन जल्दी कर अली अकबर दी अम्मा पुत्र शेरे पाई आवाज आई अम्मा जेड़े वेले दा अकबर शेरे पातन मेरी दीद मुक गई है
پرانے لفظ ہیں پرانے بابا تمہیں جادی پرانے لفظ ہیں آج جادی دینے آواز یہ مڈی دید مک گئی ہے مک گئی ہے میں کو آسرا دے آسرا دے آسرا دے تیس جڑے ویلے سونے پوتر دی لاش دی آئی زہرا دے بچنے نے اپنی امامت علی ہاتھ ہائے ہائے جناب لیلہ دے اکھاں تے پھیرے اکھاں کھلن آواز یہ پوتر پر نہیں جائی پوتر سیرے پاگے نہیں سیرے پاگے نہیں کوئی تے سمجھے سو آسو سے پردارا نہا جڑے ولے پوتر دلاز تین بیٹیے بی بی پوتر دو دے دیے وط علی دی دھی دو دے دیے ہائے 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 علی دی دھی کی میں ہے پوتر علی اکبر کو جھولیے پاگے جتا برچے لگیے ہی نا اتھا یہ ہاتھ دیتی بیٹیے جب ماں زخم نہ دیکھے سن دے بیٹے پرانے لوگوں وین پر درانا وین پر درانا آسوی صاحب دے دیئے پوتر دو دے دیئے بات علی دی دھی دو دے دیئے بی بی آدھے بھر جائی رون دی کیوں نہیں میڈو کیوں دے دیئے آواز یہ جیدے میں اجازت اون دی ماں آج پوتر کو پوتر آن سدے دیئے میں ماں جانتا ہے ازت اون دی ماں سال ریو میں آج اکبر نہ آل علی دیا میں اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا بابا 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 امر امام تو سونے بچڑے کو رحمت والے زندگی درا ہوئے مڈے پاتے دیکھیں ستر پیش کرے نا ستر کے لیے علی دی دھی جتھا زخم لگا ہاں اتھائیں بی بی زخم لکا کے ہتھ دیتی بیٹیے ہائے جناب لیلہ دی پیے دید رو کے یا دیے ہم منت جڑا پرنے سامائے ایندے سگنا دی میں دی لے سامائے تو ہتھ چاگن ایندے سینے تو تو ہاتھ جاگر اید سینے تو اید خون دی میں دیل دی میں تو ہاتھ جاگر